हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पपीता की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी है। और वीडियो में अंत तक बने रहे, नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कच्चे पपीता का सब्ज़ी बनाना। यहाँ कच्चा पपीता लिए हैं, अब इसको काट लेंगे। इसका बीज हम निकाल लेंगे और छिलका को भी छील लेंगे। तो इसी तरह हम सारे छिलका को छील लिए हैं और बीज को भी साइड पे निकाल दिए हैं। अब इसको काट लेंगे। तो सारे पपीते काट लिए हैं। अब इसको दो तीन बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका दूध निकल जाए पपीता का। तो पपीतों को अच्छी तरह से हम धो लिए हैं। यहाँ पे प्रेशर कुकर में उबाल लेंगे और 3 सीटी तक इसको लगाएंगे और हल्का सा पानी डालेंगे और इसमें तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो 3 सीटी हो गया है और ये अच्छी तरह से उबल भी गया है। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 टमाटर और प्याज, 2 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। और गैस ऑन कर दिए। कढ़ाई में डालेंगे सरसों। सरसों के तेल से सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और इसमें डालेंगे जीरा और तेज़पत्ते। तो फिर इसमें डाल दें प्याज कटी हुई। और लहसुन और अदरक डाल देंगे और इसको चला लेंगे। और इसमें उसके बाद डालेंगे टमाटर को कटा हुआ। और हरी मिर्च कटा हुआ डालेंगे और नमक डालेंगे। ध्यान रहे नमक मैं पहले से डाली थी उबालते समय। और थोड़ा हल्दी पाउडर और गरम मसाला। तो मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे और गैस का आँच स्लो रख देंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला पकने के लिए। तो 5 से 7 मिनट तक मसालों को पकाएंगे। इसमें उबाल भी अच्छी तरह से आने लगा है और इसको चला लेंगे। तो उबला हुआ कच्चा पपीता को डाल देंगे और इसको ग्रेवी में मिला लेंगे। और इसको चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा सब्जी का। तो इसको भी चला लेंगे। तो अब डाल देंगे कटा हुआ हरी धनिया और गैस को ऑफ कर देंगे। तो कच्चा पपीता सब्जी बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी होता है और जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। और आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा? रेसिपी अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।